इस तरह की सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए पठानकोट से 22 किलोमीटर शाहपुर कंडी रोड पर डुंग या डुग नामक गांव के पास आना होगा, परंतु इतना करने के बाद जिस स्थान पर हम पहुंचे हैं वह कोई साधारण स्थान नहीं है। यहां पहुंचने पर रावी नदी के तट का मनमोहक नज़ारा हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है और साथ ही हमारे कानों से होता हुआ हृदय तक को शांति पहुंचाने वाला रावी का निरंतर बजता मधुर संगीत एक अजब सी शांति का अनुभव कराता है। ये गुफाएं साधारण नहीं हैं, महाभारत काल की लगभग 5500 वर्ष पुरानी गुफाएं हैं। यहाँ पांडवों ने लगभग 6 माह का समय व्यतीत किया था। रावी के इस किनारे की खूबी है कि इसका लेफ्ट बैंक बायां किनारा पंजाब में है और इसका राइट बैंक दायां किनारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। ये सामने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का आसन और अखंड धूना है। और ये कमल पर विराजने वाली कमला देवी या महालक्ष्मी माता हैं। ये भैरवनाथ जी हैं। ग्वाले के साथ नंदी महाराज और सामने शिवलिंग। मुक्तेश्वर महादेव धाम द्वापर युग में पांडवों द्वारा अपने वनवास के 12वें वर्ष में स्थापित किया गया था। पांडव अपने प्रवास के क्रम में दसूहा जिला होशियारपुर से होते हुए माता चिंतपूर्णी के दर्शन करते हुए आए तथा इस शांत तथा निर्जन स्थान को अपने निवास के लिए चुना। मान्यता है कि इस स्थान पर वह करीब 6 माह तक रुके। पांडवों ने यहां पर 5 गुफाओं का निर्माण किया तथा शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव को जागृत कर होने वाले संभावित युद्ध के लिए उनसे विजय का वरदान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त एक अखंड धूना एवं रसोई घर का निर्माण किया जिसे आज द्रौपदी की रसोई के नाम से जाना जाता है। समय के कालक्रम में एक गुफा बंद हो चुकी है। पांडव अपने अज्ञातवास के प्रारंभ होने के पहले ही रावी नदी पार करके विराट राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए जिसका केंद्र आज जम्मू कश्मीर के अखनूर में माना जाता है। मुक्तेश्वर महादेव के महत्व का वर्णन स्कंद पुराण के कुमार खंड में भी मिलता है। धाम में स्थापित शिवलिंग में खड़ी अथवा सीधी रेखाएं दर्शित होती हैं जो कि रक्त शिराओं को प्रतिबिंबित करती हैं जो कि वस्तुतः ओज एवं ऊर्जा का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व में यह इस प्रकार का एकमात्र शिवलिंग माना जाता है। हम अभी पांडव ध्यान कक्ष में हैं। यहाँ पे जो ऊपर चक्र अंकित है या श्रीयंत्र की तरह की आकृति है, इसके नीचे ऐसा मान्यता है कि पांडव बैठकर ध्यान करते थे और ऐसी भी मान्यता है कि इसके नीचे मनोकामना मांगने से इच्छा पूर्ति होती है। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि चैत्र चतुर्दशी वैशाखी एवं सोमवती अमावस्या को धाम परिसर में विशाल मेला लगता है। इस पावन अवसर पर स्नान एवं बाबा के दर्शन करने पर हरिद्वार के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति हरिद्वार नहीं जा पाते वह अपने संबंधियों की अस्थियां भी यहीं प्रवाहित करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके तथा वैशाखी के अवसर पर अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं। इसलिए मुक्तेश्वर धाम छोटा हरिद्वार के नाम से विख्यात है। नदी के तट से गुफाओं का नज़ारा कुछ इस तरह का प्रतीत होता है। जिलों, राज्यों या देशों की सीमाओं की परवाह किए बगैर बहने वाली रावी निरंतर गुनगुनाती हुई यहाँ अद्भुत माहौल का सृजन करती है। जब भी आप दर्शन के लिए यहाँ आएं, कुछ अतिरिक्त समय अवश्य निकाल कर रखें।
ताकि इस स्थान की आभा या ऑरा को आप महसूस कर पाएं। यहाँ युधिष्ठिर महाराज का अखंड धूना तो है ही, इसके अलावा प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक लंगर में भोजन उपलब्ध रहता है।